शास्त्र का वाक्य है भक्ति प्रिय माधव। कि माधव को भक्ति प्रिय है, सब उपासनाएं सब मार्ग उसी एक तत्व की अभिव्यक्ति करते हैं, योग्यता के अनुरूप पात्रता के अनुरूप जीव उस मार्ग तक पहुंचता है, जहां तक उस मार्ग की सामर्थ्य होती है वहां तक ले जाकर वो उसे छोड़ देता है। केवल मात्र भक्ति वो भाव है, या ऐसा कह लीजिए भक्ति वो मार्ग है जिस पर जीव चल के भगवान तक नहीं जाता, भगवान जीव तक चल के आते हैं, प्रभु अनुग्रह करके आते हैं। भक्ति से इतर या भक्ति के भाव से इतर जितने भी मार्ग हैं सब में जीव का प्रयास है, प्रयत्न है, सफलता है, असफलता है, भटकाव है, बिखराव है, संभवता। और जीव दुर्बल है, अपूर्ण है, इसीलिए जीव के द्वारा जो प्रयास किया जाता है वो भी कोई बहुत अधिक सामर्थ्य वाला नहीं है, उसकी पहुंच कोई बहुत दूर तक नहीं है। केवल एक भक्ति ऐसा मार्ग है जिस पर पग धरता है जब कोई, तो उसे चलना नहीं है, उसे प्रतीक्षा करनी है, भगवान चल के आते हैं। भक्ति एक ऐसा मार्ग है जिस पर भक्त नहीं खोजता, भगवान भक्त को खोजते हैं, भक्त केवल प्रतीक्षा करता है, आकुल चित्त से प्रतीक्षा, व्याकुल चित्त से प्रतीक्षा। और जिसे मैं व्याकुल चित्त की प्रतीक्षा कह रहा हूं, ये भाव आरंभ में नहीं आता। गणित में एक प्रश्न होता है, ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन होता है जिसे हम थ्योरम कहते हैं। उसमें कहा जाता है कि लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी, मान लीजिए ऐसा है। पहले आप मानते हैं, फिर एक एक स्थान पर आकर आप उस बात को प्रमाणित कर देते हैं और वो बात प्रमाणित हो जाती है। लेकिन पहले आप आरंभ कहां से करते हैं? मानकर। भक्ति का मार्ग बिल्कुल ऐसा है, किसी के कहने से, किसी महत्व पुरुष के कहने से, किसी अनुभूति प्राप्त पुरुष के कहने से पहले आप मान लेते हैं। पहले आप मान लीजिए हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। आरंभ यहां से करना है, आपको मान लेना है। और आप देखिए इस मानने में एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। ये मानना आपको जानने तक की यात्रा पूरी करा देगा। आप केवल मान लीजिए, इस शताब्दी के एक बहुत बड़े संत पुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज कहा करते थे, उनका वाक्य है कि सदैव स्मरण रखो कि मैं हूं श्री भगवान का और मेरे श्री भगवान। बोले पहले पहले मन नहीं मानेगा, पहले पहले केवल आपकी जिह्वा कहेगी, फिर इस बात को कहते कहते मन पर इस बात का, इस भाव का संस्कार पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि ये बात परम सत्य है, हम नहीं जानते, हमको अनुभव में नहीं आती, हमको दृष्टि में नहीं आती, तो यह हमारा दृष्टि दोष है, परंतु बात यही सत्य है। बोले ये बात सत्य है और इस बात में निहित सत्य अपना प्रभाव दिखाएगा, इस बात में निहित सत्य के प्रताप से आपकी जो रटन है वो एक दिन आपका जप बन जाएगी,
ऐसा नहीं होता कि आज आपने कहीं से मंत्र लिया, हाथ में माला पकड़ी और आप जपने लगे। जप तो बड़ी ऊंची अवस्था है। जब आप अपने इष्ट के भावना भावित होकर सतत नाम स्मरण करते हैं, आप उसे जप कहते हैं और उसी को जप कहना चाहिए। तो पहले आप रटते हैं, केवल जिह्वा रटती है, मन इतर उतर भटकता है, बिखरता है, लेकिन वो जब रटन एक दिन जप बन जाती है। और जपते जपते जब वृत्ति तदाकार होती है नाम से, मंत्र से, इष्ट के रूप से, इष्ट की लीला से, उसके धाम से, जब वृत्ति तदाकार होती है, फिर वही जप भजन हो जाता है। और फिर जब आप भजते हैं, कल भी मैंने निवेदन किया था, एक स्वर होता है जो जो कंठ से निकलता है, उसको स्वर कहते हैं। मधुर भी हो सकता है, कर्कश भी हो सकता है। उसका उत्पत्ति स्थान कंठ है। जो हृदय से आती है उसे ध्वनि कहते हैं, और जो आत्मा गाती है वो पुकार है। ठीक ऐसे ही पहले आप रटते हैं, फिर आप जप तक पहुंचते हैं, फिर वो जप आपको भजन की ओर अग्रसर कराता है, आप भजन करने लगते हैं। और जब आप भजते हैं, जब आप स्मरण करते हैं, जब सुमिरन में वृत्ति तदाकार हो जाती है, फिर कबीर कहते हैं, कछु लेना न देना मगन रहना। कबीरा मन निर्मल भया, जो गंगा का नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहे कबीर कबीर। फिर भगवान खोजते हैं आपको। जब आप भजते हैं, जब आप स्मरण करते हैं, प्रभु को उत्तर देना पड़ता है। लेकिन मैं पुनः निवेदन करूंगा, यात्रा असत से ही आरंभ होगी, असत्य से ही आरंभ होगी, स्थूल से ही आरंभ होगी। इस असत से चल के ही आप सत्य तक पहुंचेंगे। इस स्थूल से आरंभ करके ही आपको सूक्ष्म तक जाना है। इस अंधकार से प्रारंभ करके ही आपको प्रकाश में, आपको उस परम उजास में जाकर विश्राम पाना है। आरंभ आपको यहीं से करना है। किस प्रकार मीरा के जीवन में सबसे पहले कोई योगी आया, जिसने मन का बर्तन मांजा, मीरा को योग की विद्या सिखाई, आसन साधना सिखाया। आसन माने भक्त का आसन क्या है? भक्त का आसन है भगवान के निकट बैठना, यही भक्त का आसन है। इस प्रकार योग में 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तदुपरांत समाधि। भक्ति में भी ये 8 अंग प्रकट हैं, लेकिन भक्ति के भाव का जो स्वरूप है वो इससे थोड़ा सा बिलग है। योग के मार्ग पर आसन में क्लिष्टता है, योग के मार्ग पर आसन में कठिनाई है, प्रयास है, प्रयत्न है। भक्ति के मार्ग में आसन के मूल में लालसा है, आपको अपने प्रभु के निकट बैठना है, बस इसी का नाम आसन है। कैसे भी बैठिए, लेकिन प्रतिदिन कुछ क्षण ऐसे होने चाहिए जब आप एकदम दत्त चित्त होकर नहीं, जब आप एकदम रिक्त चित्त होकर भगवान के निकट बैठे हैं, खाली मन, जिसमें न कोई प्रार्थना है, जिसमें न कोई स्तुति है, जिसमें न कोई स्तोत्र है, न कोई याचना है, न कोई आशा है, न कोई अभिलाषा है, जिसमें कुछ नहीं है, जिसमें केवल आप प्रभु को निहार रहे हैं। ये भक्ति का मार्ग है, ये भक्ति के मार्ग पे लगाया जाने वाला आसन है। जैसे योगी करता है ना, अपने प्रयास से आसन सिद्ध करता है, पहले कुछ देर बैठता है, फिर कुछ देर बैठता है, फिर कुछ और अधिक देर बैठता है। ऐसे ही ठीक भजन का मार्ग है। आप पहले कुछ देर प्रभु के निकट बैठिए, धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे भगवान का रूप, मैंने कहा ना, सत्य वस्तु अपना संस्कार डालती है। जब असत्य अपना संस्कार डालता है तो सत्य भी डालता है। हाँ, असत्य से जो संस्कार पड़ता है वो एक दिन मिट जाता है। असत्य का संस्कार शीघ्र पड़ता है किंतु शीघ्र ही मिट भी जाता है। सत्य का संस्कार विलंब से पड़ता है, उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। लेकिन तेरी बख्शना मेटे कोई,
सतगुरु का दिलासा। लेकिन वो संस्कार मिटता नहीं। आद सच जुगाद सच है भी सच और नानक होसी भी सच। वो संस्कार मिटता नहीं। जिसे आप सिनेमा देखकर आते हैं तो कुछ देर के लिए उसका एक एक प्रभाव रहता है। आपने क्या देखा, आपने क्या सुना, एक एक प्रभाव रहता है उसका। लेकिन थोड़ी सी देर के बाद, कुछ घंटों के बाद, अथवा यदि आप बड़े सरस चित्त हैं तो कुछ दिनों के बाद आप भूल जाते हैं। लेकिन वो संस्कार बड़ी शीघ्रता से पड़ता है। आप कथा में बैठे हैं, यहां जो बात आप श्रवण कर रहे हैं, यहां जो भाव आपके हृदय तक जा रहा है, हो सकता है ये संस्कार आपको आज ही ना पड़े, हो सकता है कल ना पड़े, हो सकता है महीनों ना पड़े। लेकिन जब ये संस्कार मन पर अंकित होगा, पड़ेगा, फिर ये मिटेगा नहीं। इसीलिए जितना सत्संग के मार्ग पर विवेकवान होना आवश्यक है, उतना ही इस मार्ग पर यह भी आवश्यक है कि आपके जीवन में सत्संग सतत होना चाहिए। एज मच एज सिंसियरिटी इज नीडेड, साइमल्टेनियसली द कॉन्टिन्यूटी इज ऑल्सो नीडफुल। उसकी भी आवश्यकता है। आपके जीवन में सतत सत्संग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 6 महीना में एक बार भागवत की कथा सुन ली और आपको लगा कि इससे हो जाएगा। नहीं होगा। एक बार नहीं, हो सकता है अनेक बार से भी न हो, पर एक बात निश्चित है कि यदि कभी होगा तो वो सत्संग में ही होगा, सत्संग से ही होगा। तो पहले पहले मीरा को एक एक योगी आए, आसन बता गए, मीरा का आसन सद गया। लेकिन वो आसन जब जब मीरा तक पहुंचा तो वो कोई और रूप ले चुका था। फिर कोई आया, कह गया बेटी, यूं तो उसे किसी भी नाम से पुकारो वो उत्तर देता है, यूं तो किसी भी दिशा में मुख करके उसको पुकारो, उसका दर्शन करना चाहो वो उत्तर देता है, परंतु यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमान योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि स्तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशे। संकेत कर गए वो संत वृंदावन की ओर, वहीं से आए थे। कह गए बेटी, इस संसार में प्रेम का यदि कोई उत्तर देता है तो वो केवल कृष्ण देते हैं। इस संसार में प्रेम का बीज यदि कहीं फलता फूलता है तो वो वृंदावन की ब्रज की भूमि पर ही फलता फूलता है। प्रेमियों के एकमात्र शरण्य, प्रेमियों के एकमात्र प्रेमास्पद श्री कृष्ण हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इससे पूर्व मीरा किसी अज्ञात दिशा में किसी अज्ञात को पुकारती रहती थी। मीरा की आत्मा ने सदा पुकारा, मीरा ने पुकार पुकार कर उसको विवश किया अपने सन्मुख आने को। मीरा अर्थात प्रेम से भरी पुकार, जिसका रोम रोम कृष्ण को पुकारता है। मीरा का भाव उन्माद बढ़ने लगा। माता चिंता से ग्रस्त थी कि क्या आवश्यकता थी इस फूल से सुकुमार बालिका को योगियों और साधुओं के हाथ में सौंपने की। ये दाता हुकुम को क्या सूझी, मेरी नन्ही सी सुकुमार बालिका क्या से क्या कर दिया। ना इसे गुड्डे गुड़िया चाहिए, ना खेल खिलौना चाहिए, ना वस्त्र आभूषण मांगती है, और ना मेरे निकट बैठकर कोई घर संसार की बात करती है, कहती है, सुनती है। क्या होगा, कल को ससुराल वाले ले जाएंगे तो क्या भजन कीर्तन सुनने के लिए ले जाएंगे। मीरा की मां हृदय चिंता से ग्रस्त है। इधर मीरा का भजनोन्माद बढ़ रहा है, उधर माता की चिंता बढ़ रही है। और जैसे मीरा जी के महलों में साधुओं का संतों का आवागमन लगा रहता था, एक संत आए। परिवर्तन का क्षण आ चुका था। जाने कौन सी घड़ी, अभी मैं कह रहा था ना कि यदि कभी जीवन की दिशा बदलेगी
यदि कभी जीवन की दशा बदलेगी तो स्मरण रखिए, आज कल कभी या किसी जन्म में सत्संग में ही बदलेगी। मन पर चोट लगेगी तो किसी संत के मुख से निकले शब्द से लगेगी। सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, मिटे भरम का को। कब वो क्षण आएगा इसका उत्तर किसी के पास नहीं है, इसीलिए प्रयास करते रहिए। हरि सो लागे रहो मेरे भाई, प्रयास करते रहिए। दो बातें, एक तो यदि कभी परिवर्तन होगा तो सत्संग में ही होगा, और दूसरी बात विश्वास रखकर प्रयास करिएगा कि परिवर्तन होगा। संसार में जब आप बढ़ते हैं आगे, तो मैंने निवेदन किया कि यहां पर सफलता भी है असफलता भी है, पर यदि आप भजन के मार्ग पर चलते हैं, यदि आप प्रभु की ओर अग्रसर होते हैं, सफलता में विलंब हो सकता है, और मुझे नहीं लगता कि विलंब भी होता है। कोई कहता है भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, पर मुझे तो लगता है कि भगवान के घर में न देर है न अंधेर है। मुझे तो लगता है जिस दिन आप पग धर देते हैं इस मार्ग पर, आप उसी दिन सफल हो जाते हैं। सफलता उसी दिन निश्चित हो जाती है जिस दिन आप संकल्पबद्ध हो जाते हैं भजन के लिए। ध्यान रखिएगा, आप कितना कर पाते हैं महत्वपूर्ण नहीं है, आप करने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं ये महत्वपूर्ण है। कितना प्रयास है आपका, कितनी व्याकुलता है आपकी इसके लिए, क्या करते हैं आप इसको पाने के लिए। अभी मैं आते आते सुन रहा था, अभी बाहर की बात है, तो हमारे भाटिया जी के पास किसी का फोन आया, बोले कि एक व्यक्ति आए जूते के स्टॉल पर खड़े हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं तो जूते लेकर अंदर जाऊंगा, 2000 रुपए के जूते। अभी अभी बाहर मैंने सुना, बड़ी दयनीय स्थिति है मन की। कितना प्रयास है आपका, यह बात महत्वपूर्ण है। इसीलिए सत्संग है, इसीलिए उपासना है, इसीलिए मार्ग है, इसीलिए साधन है। मैंने कहा ना कि आप और मैं स्वरूप और स्वभाव दोनों से दुर्बल हैं, अपूर्ण हैं, अज्ञ हैं। इसीलिए आपका और मेरा प्रत्येक प्रयास वही दुर्बलता लिए है, अपूर्णता लिए है, भटकाव लिए है, बिखराव लिए है। पर प्रयास करिए। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो याखी, भूमि पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा। वो संत वृंदावन की ओर संकेत कर गए, आकार लेने लगा मीरा का भाव मीरा के हृदय में। नाम की कृपा है, आप नाम जपेंगे। यदि मैंने कहा कि भक्त को दत्त चित्त होकर बैठने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है भजन के लिए। भक्त को दत्त चित्त होकर बैठने की आवश्यकता नहीं है, भक्त को रिक्त चित्त होकर बैठने की आवश्यकता है, खाली मन। भगवान का नाम कल्पतरु है, भगवान ने अपने नाम में अपना समस्त ऐश्वर्य समस्त माधुर्य रख छोड़ा है। तुलसी तो कहते हैं, कहो कहां लग नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गा। व्यास जी कहते हैं, व्यास नाम सम नाम है, नाम समान न कोई। ये बड़ा अद्भुत साधन है, विलक्षण। भगवान ने अपना समस्त ऐश्वर्य माधुर्य निहित कर दिया है, छिपा दिया है नाम में। पर
एक बात सावधान रहने की है कि ये नाम कल्पतरु है, आप जो भाव लेकर भजेंगे ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। इसीलिए मैं कहता हूं अपनी अपनी अपूर्ण बुद्धि से, अपनी अज्ञता भरी वृत्ति से कोई भाव लेकर मत बैठिए, रिक्त चित्त होकर नाम जपिए, खाली मन, देखिए नाम आपको क्या उत्तर देता है। आप प्रतीक्षा करिए, और यदि आप वस्तुतः अपने मन को खाली करके बैठना सीख गए, यदि आपने, जब आप योग के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, जब आप समाधि की ओर अग्रसर होते हैं, तो सबसे पहले आसन साधा जाता है, और भक्ति के मार्ग पर जैसा मैंने कहा आसन क्या है, भगवान के निकट बैठना, यदि आप ये आसन साधना सीख गए, खाली मन होकर भगवान के निकट बैठना, फिर देखिए वो जो नाम आप लेंगे, जैसे क्या होता है, एक एक वस्तुओं से भरे कक्ष में जब आप पुकारते हैं तो वो पुकार खो जाती है, देयर इज नो एनी इको, देयर इज नो साउंड बैक। लेकिन जब आप एक रिक्त कक्ष में पुकारते हैं तो वो नाम और मधुर होकर आपके पास में आता है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही जब एक रिक्त चित्त भगवान को पुकारता है तो दसों दिशाएं आपको उत्तर देंगी, प्रकृति चहुं ओर से आपके अनुकूल हो जाएगी। आप पुकारिए, आपको आप देखेंगे कि आपको सब ओर से उत्तर मिल रहा है, रिक्त चित्त हो, खाली मन हो, प्रार्थना ना हो, याचना ना हो, अभिलाषा ना हो। मीरा को तो दिशा भी मालूम नहीं थी, कोई अज्ञात था जो आकर्षित करता था, जो खींचता था, मीरा के मन प्राण खींचे चले जाते थे किसी अज्ञात दिशा की ओर। मालूम नहीं होता था कि सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, दास दासियां हैं, नौकर चाकर हैं, चहुं ओर से प्रेम उड़ेलने वाले सगे संबंधी सुहृद जन हैं। मेरे मन में पीड़ा है तो क्यों है, क्या चाहता है हृदय, पीड़ा भी अज्ञात है। लेकिन जैसे ही संत ने कहा बेटी पुकारती रहना, गोविंद राधे माधवा गोपाल, राधे माधवा गोविंद, 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 कि भक्त को कहीं चल के नहीं जाना है, उसको केवल पुकारना है, उत्तर वहां से आता है, वो खोजते हुए आते हैं। बिल्कुल ठीक ऐसा हुआ, एक बार नहीं, अनेक बार नहीं, प्रत्येक बार, एक बार नहीं, अनेक बार नहीं, प्रत्येक बार प्रभु ने यह बात प्रमाणित की है, प्रतिष्ठित की है, प्रकीर्तित है इस संसार में, मैं आऊंगा तुम्हारे पास भक्त के माध्यम से। भक्त ने केवल पुकारा है, उसने केवल गाया है, उसने केवल हृदय मंदिर में उस प्रेम देवता को ध्याया है, बस। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इस मार्ग पर पग धरते ही सफलता निश्चित हो जाती है, मन की वृत्ति टिकाने लगने लगती है, और पात्र को, सतपात्र को एक क्षण के लिए भी यहां पर वंचित नहीं रखा जाता। प्रभु को प्रकृति का, नियति का विधान भी बदलना पड़े तो प्रभु बदल देते हैं। अपना मान
तले टल जाए। भक्त का मानना टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल दीदार का शौक है तो नजरें जमाए रख, दीदार का शौक है तो नजरें जमाए रख, पर्दा कैसा भी हो पर सरकता जरूर है। आप प्रयास करते रहिए साहब, और मैं तो कहता हूं कि इस संसार में अनंत अनंत जन्मों से किए गए प्रयासों के फल स्वरूप भी आपने और मैंने आखिर क्या कमाया है, क्या है आपके मेरे हाथ में। साहब अपनी खुद ही हाथ में नहीं आती, यदि हम प्रयास करें हम कोशिश करें तो कोशिश से तो अपनी खुद ही हाथ में नहीं आती। ये उसकी दया है, ये उसकी कृपा है कि थोड़ी सी कोशिश करो तो खुदा हाथ में आ जाता है। हम भक्त पराधीन हैं, थोड़ी सी कोशिश से बस बात इतनी हो कि बुल्ले शाह रब ओना नु मिलता नीता जिना दिया सचिया रिक्त चित्त। जाही न चाहे कबहु कछु तुम संग सहज बसहु निरंतर ताके सोराव निजगे। पात्र तैयार हो चुका था, प्रभु को चल के आना था, गोवर्धन गिरिधारी को ये यात्रा करनी थी अपनी मीरा के लिए। महल में एक संत आए, ये अन्य संतों से कुछ विलक्षण थे, कुछ बिलग थे, मौन रहते थे। एक बड़ी सुंदर श्याम सुंदर की मनमोहिनी सी मूरत थी पास में। भोर भय से सांझ ढरे तक सेवा को ही नेम हमारो, स्नान करावे वस्त्र ओढ़ावे भोग लगावे वो लागत प्यार, कब ते निहारत आपकी ओर के आप हमारी ओर निहारो। राधे कृष्ण हमारे धाम को जान वृंदावन से सांझ अपने अपने प्रियतम प्राणधन की सेवा, लाड़ प्यार स्नेह श्रृंगार राग भोग। एक कक्ष में रुके थे, वहीं पर भोर से सांझ सेवा करते थे। मीरा को पता चला कि कोई ऐसे संत पधारे हैं जो किसी से बात नहीं करते, कोई चर्चा नहीं करते, लेकिन उनका प्रेम, उनकी मस्ती, उनका उन्माद बड़ा विचित्र है। मीरा लुक छिप कर, एकांत प्रिय संत हैं बड़े, भगवान की सेवा करने वाले के जीवन में ये लक्षण स्वतः आ जाता है। भगवान की सेवा करने वाला आपको एकांत प्रिय ही मिलेगा, और सब उपासनाओं में और सब मार्गों में वार्ता है, चर्चा है, गोष्ठी है, प्रेम के मार्ग में गोष्ठी नहीं है। मैंने सदा कहा है कि प्रेम प्रेम होता है, वो भले संसार में घट जाए या वो भले भक्त और भगवान के मध्य में घट जाए, लेकिन प्रेम प्रेम है, उसके लक्षण एक से होते हैं, पहुंच दूर तक होती है आध्यात्मिक प्रेम की, दिव्य प्रेम की, लेकिन लक्षण एक से होते हैं। ऐसे संसार में भी जब दो प्रेमी मिलते हैं तो उनका प्रयास होता है कि कहां मिले जहां कोई आता जाता ना हो, जहां एकांत भंग ना हो,
ये प्रेम की एक सहज मांग है, उसे फलने फूलने के लिए एकांत का वातावरण चाहिए। तो जो सेवा भाव परायण भक्त होगा वो एकांत प्रिय होगा। भांति भांति के भक्त हैं भगवान के, भांति भांति के उनके भाव हैं। जो सेवा करेगा वो एकांत प्रिय होगा। तो बड़े एकांत प्रिय संत थे, अपने कक्ष में एकांत सेवा करते थे, किसी से मिलना नहीं, किसी से बोलना नहीं, बतियाना नहीं, कोई भजन चर्चा कुछ नहीं, मौन। लेकिन उनकी उनकी दृष्टि में, उनके नैनों से कोई कोई विलक्षण भाव छलकता था। मीरा को मालूम चला कि उन संत के निकट जाना तो संभव नहीं है, वो निकट जाना सरल नहीं है, वो तो मिलते नहीं, बात नहीं करते। पर मैंने कई बार निवेदन किया है कि संत बोले तो सुनना चाहिए और नहीं बोले तो उसके मौन का आनंद लेना चाहिए। बहुत बार जो बात अल्फाज नहीं कह पाते वो बात मौन कह देता है। तो मीरा लुक छिपकर उन संत को देखने लगी, उनकी प्रत्येक चेष्टा को बड़ी गंभीरता से मीरा देखती है।